नमस्कार, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। यूपी के अंदर ग्रंथी सिंह की 13 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला और उसको अगवा करने का मामला सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी तेजी से शेयर किया जा रहा है। इस मामले के अंदर इस समय तीन बड़ी अपडेट आई है। तीन अपडेट में सबसे पहली अपडेट है वो श्री अकाल तख्त साहिब जी के जथेदार जी की तरफ से आई है। उन्होंने यूपी पुलिस को, पीलीभीत पुलिस को मार्क किया था, उनको पोस्ट लिखी जिसके अंदर उन्होंने पुलिस को कार्रवाई करने के लिए कहा और उन्होंने कहा कि यदि पुलिस यहाँ पर कार्रवाई नहीं करती तो सिख संगत अपने बलबूते के ऊपर दोषियों को सजा देगी। इसके बाद पुलिस के द्वारा एक वीडियो जारी किया जाता है और यूपी की जो पुलिस है, पीलीभीत पुलिस है, वो वीडियो जारी करके जानकारी देती है इस मामले की। सबसे पहले आप उस वीडियो को यहाँ पर देख लीजिए। अवगत कराना है कि थाना घुमचाई पर दिनांक 29/4/2024 को बादी की लिखित तहरीर के आधार पर दिनांक 28/4/2024 को आवेदक की पुत्री को तीन नामजद व एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाने व विपक्षी गणों के परिवार वालों से शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी देने के संबंध में अंतर्गत धारा 363/506 IPC पंजीकृत किया गया। दिनांक 30/4/2024 को पीड़िता की बरामदगी बयान अंतर्गत धारा 161, 164 CRPC के अवलोकन से मुकदमा उपरोक्त धारा 363/506, 376D व 5/6 पॉक्सो एक्ट में प्रस्तुत रही, जिसमें दिनांक 10/5/2024 को मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त व पीड़िता के इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के अवलोकन, बयान गवाह व अन्य भौतिक साक्ष्यों के संकलन व उनके विश्लेषण से मुकदमा उपरोक्त में नामित दो आरोपियों की नामजदगी गलत पाते हुए पृथक की गई। विवेचना के क्रम में साक्ष्यों के आधार पर एक अन्य अभियुक्त का नाम प्रकाश में लाया, जिसे दिनांक 30/5/2024 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जिला कारागार पीलीभीत निरुद्ध किया गया। अग्रिम विवेचना तक कार्रवाई विधिक रूप से की जा रही है। जैसा कि वीडियो के अंदर पीलीभीत के CEO ने बताया कि यहां पर एक अभियुक्त को, एक आरोपी को पकड़ा गया था, पहले पकड़ लिया गया था और उसके बाद एक आरोपी को अभी बाद में पकड़ा गया है। अब यहां पर इसके बाद सिख संगत ने भी सभी के नाम एक संदेश दिया, जिसे पीलीभीत पुलिस ने अपने एक्स अकाउंट के ऊपर, ट्विटर अकाउंट के ऊपर अपलोड किया था। आइए अब सिख संगत ने यहां पर जो संदेश दिया था, हम इसको भी सुन लेते हैं। बेटी का जो बाबा जी सामने खड़े ने, जिन्हां दी बेटी दे मामला प्रकरण चल रहा सी, वो बड़ा मन भागा है और उन्हें सोशल मीडिया दे विच इस तरीके नाल जो दर्शाया गया वो थोड़ा जा गलत सी। अज असी सारी स्थिति तो सानू SP साहब ने जाणू करवाया, असी भी उन्हां दे नाल, सारे मैंबर साहबां ने, सारे लीडर ने उन्हां दे नाल गलबात कीती और बहुत सौहार्दपूर्ण तरीके नाल वो गलबात हुई है और असी पूरे जिन्ने भी लोग आए हैं, जिन्ने समाज के जिम्मेदार बंदे आए हैं, असी सारे ही इस इन्हों की जांच तो सारे संतुष्ट हैं और उन्होंने इस तो पहलों जिन्हें जोड़े मामला चुक रहे थे, जोड़े समाज में कुछ होर गल कर रहे थे और SP साहब नाल कुछ होर गल कर रहे थे, उन्होंने रिकॉर्डिंगा भी सानू सुनाइया ने, उन्होंने रिकॉर्डिंगा भी सुनाइया ने, तो उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ेगी मैं जनतक भी कराँगा। तो असी हूँ तक की कार्रवाई तो पूरी तरीके संतुष्ट हाँ और असं चाहते हैं कि इस मामले में ज़्यादा सोशल मीडिया के हम ना चलाया जाए, क्योंकि बेटी का, समाज का और उस बाबा जी की इज्जत का ध्यान रखद हो बहुत जरूरी आ कि इस मामले में इतने खत्म कर दिया जाए। असी पुलिस की जाँच तो पूरी तरीके संतुष्ट हाँ। तो संगत जी, ये वो अपडेट थी जहां पर पहला आप लोगों ने बयान पढ़ा होगा, साइट में मैंने एक पोस्ट शेयर की थी, अब फिर से यहां पर शेयर करता हूं। दोस्तों, जैसा आप लोग जानते हैं, पिछले कई दिनों से ये जो मामला है सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी तेजी से शेयर किया जा रहा था और ऐसे में मामला शेयर करना भी बनता है, क्योंकि एक 13 साल की बच्ची के साथ गलत काम किया गया हो और ऐसे में जो आरोपी हो वो एक महीना बीत जाने के बाद भी इसी प्रकार से खुले घूम रहे हो और ऐसे में पुलिस ने यह कह दिया कि जो आरोपी थे उनको पकड़ लिया गया है, इसमें से दो आरोपी वो हैं जिनको इस समय जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया है और उन्होंने कहा कि दो व्यक्ति ऐसे उस पहले FIR के अंदर लिखे गए थे जो गलत तरीके से, यानी कि उनका नाम गलत आ गया था, उनको उन्होंने छोड़ दिया, उनका नाम हटा दिया और वहां पर
30/5/2024 को एक आरोपी की भाल चल रही थी, उसको उन्होंने पकड़कर उसको भी जेल के अंदर बंद कर दिया। यूपी पुलिस की भी यहां पर थोड़ी बहुत सराहना करनी बनती है कि उन्होंने आरोपियों को पकड़ा है। जो सिख संगत, जो लोग सिखों की तरफ से वहां पर यूपी पुलिस को मिलने गए थे, कुछ लोग इसको राजनीतिक रंग देना चाहते हैं और इसलिए उन्होंने इसको आगे ना शेयर करने की भी बात की है। दोस्तों, ये पूरा मामला था कि श्री अकाल तख्त साहिब जी के जथेदार जी ने भी कह दिया और इसके बाद यूपी पुलिस का बयान आ जाता है। यूपी पुलिस के बाद फिर सिख संगत का जो बयान वाला वीडियो है वो भी सोशल मीडिया के ऊपर डाला जाता है। तो इन सभी से आप क्या अंदाजा लगाते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। हम यही चाहते हैं कि किसी भी निर्दोष को सजा ना हो और जो दोषी है वो बिल्कुल नहीं बचना चाहिए। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लें और वीडियो को लाइक करने के बाद, कमेंट करने के बाद व्हाट्सएप में शेयर जरूर करना।